The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit, and the habit hardens into character. So watch the thought and its ways with care, and let it spring from love burn out of concern for all beings. हमें पता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमें ये भी पता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष लिया तो भी आयुध उपयोग नहीं करने का वादा किया और अर्जुन के रथ सारथी बनकर युद्ध की योजना बनाने में और योजना पालन कराने में सक्षम हुए थे। युद्ध के दौर पर श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन को बचाया। युद्ध के दूसरे दिन अर्जुन को भीष्म ने खदेड़ दिया था और एक ही बार में भीष्म ने 3 आकाशीय बाण से अर्जुन मारे जाने वाले थे। तब श्री कृष्ण युद्ध में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद अर्जुन को बचाने के लिए रथ का चक्र भीष्म पर उठा लिया। जब अर्जुन श्री कृष्ण को अपना वादा याद दिलाते हुए शांत किया और भगवान श्री कृष्ण के गुस्सा की सुंदरता देखते हुए भीष्म भी शांत हो गए थे। युद्ध के 7वीं रात को भीष्म ने अपने तर्कश से पंच पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निकालकर दुर्योधन के कहने पर वो बाणों को मंत्रों के माध्यम से अपनी शक्तियों के दिव्य रूप से जोड़ा। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन दुर्योधन से वो बाण वर में मांग लिया, जिससे श्री कृष्ण ने पंच पांडवों को भीष्म से बचा लिया। युद्ध में पांडवों की जीत के लिए भीष्म का मृत्यु होना अनिवार्य था। श्री कृष्ण को पता था कि अंबा एक योद्धा की तरह शारीरिक शक्ति के माध्यम से भीष्म के मृत्युकारक होने के लिए ही एक पुरुष के रूप में जन्म ली। श्री कृष्ण पांडवों की पुष्टि करते हैं कि शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म था। शिखंडी एक हिजरा होने से युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित नहीं था। अगर शिखंडी महिला होती तो प्रतिबंधित होती थी। शिखंडी हिजरा होने के कारण भीष्म शिखंडी को देखते ही अपना आयुध नीचे रख दिया और अर्जुन पर हमला नहीं किया। जैसे ही सचमुच एक महिला उनके रथ पर खड़ी थी, अर्जुन ने भीष्म को अपने सामने एक बाधा के रूप में शिखंडी को रखकर दस्तक दी। शिखंडी के बारे में बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से इस तरफ भीष्म से बचा लिए। युद्ध के 12वें दिन नरकासुर के पुत्र भागदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथी से अर्जुन पर आक्रमण किया। क्रोधित सुप्रतीक को स्वयं मृत्यु की तरह आगे बढ़ते देख श्री कृष्ण ने रथ को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि रथ उससे बचे। इस कृति से क्रोधित हुए भागदत्त अर्जुन पर अदम्य वैष्णवास्त्र उपयोग किए, जो एक समय पर महाविष्णु ने उनको प्रसादित किए, जिसको हार नहीं थी। श्री कृष्ण रथ पर खड़े होकर अस्त्र और अर्जुन के बीच आ गए। तब वो अस्त्र श्री कृष्ण के गले में वैजयंती की माला में बदल गया। अर्जुन बच गया और भागदत्त के सीने में एक घटक तीर चला दिया, जिससे भागदत्त की मृत्यु हो गई। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को भागदत्त से बचा लिया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जो स्वयं अर्जुन के साथ साथ उनके रथ को भी बर्बाद कर देता था। ब्रह्मास्त्र को कोई निरुपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठी से रथ को दबाया, जिसके कारण रथ थोड़ा नीचे की ओर जमीन में दब गई। इसके कारण ब्रह्मास्त्र अर्जुन को नहीं लगा, बल्कि अर्जुन के मुकुट और रथ के छत को लगने से वो नीचे गिर गई। ब्रह्मास्त्र के कारण अर्जुन के रथ नाश होने वाला ही था, लेकिन श्री कृष्ण अपने माया से रथ के जीवन को एक दिन बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 8वें दिन युद्ध समाप्त होते ही जैसा अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से उतरे तो रथ पूरा जल गया। इस तरह श्री कृष्ण ने कर्ण के अस्त्र से अर्जुन को बचा लिए। श्रुता युद्ध कलिंग राजा
आज के ओडिशा के राजा था जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ रहा था। वरुण देव के आशीर्वाद से परनासा राजा को श्रुतायुध हुआ था। अपने बेटे के भलाई चाहते हुए परनासा के कहने पर वरुण देव ने श्रुतायुध को एक गदा आयुध दिए थे जिसको हार नहीं है, मतलब जिस पर ये गदा प्रयोग किया जाएगा उनका मृत्यु इस गदा से जरूर होगा। लेकिन वरुण देव इस गदा को देते वक्त श्रुतायुध को कहा कि अगर इस गदा कोई निरायुध, मतलब जिसके पास आयुध नहीं, उन पर प्रयोग किया जाए तो उनको इस गदा से हानि नहीं होगा और वापस आकर इस गदा श्रुतायुध के मृत्यु कारक होगा। वरुण देव से श्रुतायुध यह जादुई गदा स्वीकार किए और कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को इस गदा से मारने ही वाला था। तब श्री कृष्ण उसका सामना किए और हमला किए, जिसके लिए श्रुतायुध एक निरायुध पर हमला करने के लिए मर जाएगा। श्री कृष्ण ने जैसा सोचा आखिर में वैसा ही हुआ था। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को श्रुतायुध के गदा से भी बचा लिए।